गुरु नानक, धन बाबा नन सिंह जी, जीवन कथा बाबा नन सिंह जी की, सिख कैसा हो। बाबा नन सिंह जी नानक सर कलेरी विराजमान है। संगते दूर नज़दीक से आकर लाभ प्राप्त करती है। बागा गांव से संत सुजान सिंह जी जत्थे समेत बाबा जी के चरणों में हाजिरी भरने के लिए आए हुए हैं। दीवान के समय से निपट कर आसपास कई बार सैर करने निकल जाते थे। कभी काउके की तरफ, कभी गुरुसर की तरफ, कभी कलेरा की तरफ, पर एक दिन लाइनों लाइन जगराओं की तरफ जा रहे हैं। अचानक लाइन पर नजर पड़ी। भाई गुरबख्श सिंह जी, जो कि संत सुजान सिंह जी के साथ तबला बजाया करते थे, के साथ जा रहे हैं। लाइन के ऊपर एक पैसा गिरा पड़ा है, क्योंकि कई बार बच्चे पैसा वगैरह लाइन के ऊपर रख दिया करते थे कि गाड़ी ऊपर से निकल जानी तो पैसा चौड़ा सा हुआ देखकर खुश हो जाया करते थे। इसी तरह ही पैसे शायद किसी बच्चे ने रखे हो और नीचे गिर गया हो और बच गया हो। उस पैसे पर भाई गुरबख्श सिंह जी की नज़र पड़ गई और उसने वह पैसा उठाकर जेब में डाल लिया, क्योंकि आजकल तो पैसे की कोई कीमत नहीं है। उस समय ज़रूर कोई कीमत होती थी, जिस समय 2 रुपए की 40 सेर गेहूं मिल जाया करती थी। पैसा उठाकर जेब में रख लिया और घूमते फिरते वापस डेरे पर चल गए। शाम को कीर्तन किया, सोदर लगा, श्री रहरा साहेब जी के पाठ हुए, उपरांत कीर्तन हुआ। बाबा नरसिंह जी महाराज दीवान में सुशोभित है। रागियों को इशारा किया, रागी खामोश हो गए। बाबा जी ने वचन शुरू किया। हो तिस घोली घुमाइया, गुरु मत रीढ़ गरीबी आवे। हो तिस घोली घुमाइया, पर नारी दे नेड़ी नहीं आ जावे। हो तिस घोली घुमाइया, पर दरबे नो हाथ नहीं लावे। हो तिस घोली घुमाइया, पर निंदा सुन आप हटावे। हो तिस घोली घुमाइया, सतगुरु दा उपदेश कमावे। हो तिस घोली घुमाइया, थोड़ा सवे थोड़ा ही खावे। गुरुमुखो सोई सहज समावे। गुरु नानक के घर में भाई गुरुदास जी हुए हैं, और यहाँ तक कि सदगुरु सच्चे पातशाह ने भाई साहेब का सत्कार किया है कि उनकी कही बाणी को गुरबाणी की कुंजी का दर्जा दिया है। भाई साहेब ने बाणी में हर जगह पर सदगुरु की बड़ाई की है और अपने आप को नीवा लिखा है, और ऐसे पूर्ण गुरु सिख होकर भी वचन कर रहे हैं कि अपना आप उस गुरु सिखों पर न्योछावर कर दिया। जिस गुरु सिख के अंदर नम्रता भाव गरीबी है। गरीबी यह नहीं कि कपड़े फटे पुराने पहन कर रखे, गरीबी यह नहीं कि ज़्यादा मत्थे टेके। अपार दी दुना निवे, दिखावे की निम्रता न हो बल्कि अंदर नम्रता हो सचमुच की। हृदय गरीबी, हृदय में गरीबों हो तो भाई साहेब कहते हैं कि अपना आप भी उस पर कुर्बान कर सकता हूँ। हो तिस घोली घुमाइया, पर नारी डे नेडी नहीं जावे। देखी पराई चंगिया, माव बहन धिया जाने। जिस सिख की ऐसी सोच है उस पर मैं अपने आप कुर्बान करता हूँ। हो तिस घोली घुमाइया, पर
पर दर बेनू हाथ लावे। सिख हो अकेला कोई ना देखता हो, अब पड़ा हो सोना सिख कहे मैंने नहीं उठाना। पराई अमानत है मेरे लिए, यह सोना नहीं मिट्टी है। पर ऐसी सोच बड़ी मुश्किल है, भर्तरी राजा भाग को छोड़कर जंगल में तपस्या करने निकल पड़ा। एक दिन जो रहा है रास्ते में लगा जैसे हीरा पड़ा हो, सोचा मेरे किसी काम नहीं, चलो किसी गरीब को दे देंगे। उठा लेता है, जब उठाने लगा तो वह हीरा नहीं था, वह तो किसी ने पान खाकर थूका दिया था। पर भर्तरी को लगा जैसे हीरा हो, जब हाथ डाला तो थूक के साथ हाथ से चिपट गया। बड़ा शर्मसार हुआ और मन को कोसने लगा, ओ मन खोटिया अपने क्या सोचा, यह कुछ तो मैं छोड़ कर आया हूँ। रत्न जड़ता मंदिर तजे अर सखियन के साथ, रे मन छोड़ लाल के पीक लबेरिया हाथ। एक रत्न नहीं बल्कि ऐसे मंदिर छोड़ कर आया हूँ जिसमें सैकड़ों रत्न की चित्रकारी थी। मंदिर छोड़ दिए, स्त्रियाँ छोड़ दी, मित्र साथी छोड़ दिए, किस लिए? भगवान को मिलने के लिए। पर फिर भी मन ने ऐसा धोखा दिया कि उस हीरे के पीछे मैंने अपने हाथ थूक से चिपटा दिए। तभी तो मन को पापी कहा है कि इसका कोई भरोसा नहीं कि कब ढोल जाए। पर जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। मन जीत जग जीते, मनवेरी नू जिसने जीतिया, बादशाह जीत जाता। सुरबीर तिस जिहना कोई, जिस तेनु दिल विच जाता। प्रत्येक सिख को साजा है गुरु ने, और सचमुच जिसने गुरु के उपदेश पर अमल किया है उनके मन को वश में कर लिया है। पिता पुत्र थे सिख गुरु के, नदी पर नहाने के लिए गए। कहीं से एक बेर आया गया, वह सिख ने खा लिया। पिता ने देख लिया और कहा, पुत्र हम सिख हैं, यह बेर पता नहीं किसका था और अपने खा लिया। बिना मोल दिए बेगानी चीज थी। पर दर बेनू हाथ न लावे, पुत्र रो पड़ा, मैं भूल गया हूँ। कहा, नहीं अब बख्शाना पड़ेगा, चलो नदी के किनारे किनारे पता करे भाई यह बेर किस बेरी से आया है और उस बेरी का मालिक कौन है। जब तक इस बेर का मूल्य न चुकाएंगे हम अन्न जल हराम है। पुत्र हम सिख है, सिख को ये कभी शोभा नहीं देता। हुकु पराया नानका उस सुवर उस गाए। दोनों नदी के किनारे किनारे चल पड़े। एक बेरी है साथ ही एक बाग है। पूछा, यह बेरी किसकी है जी, किसका बाग है, कहाँ रहता है जी? बाग के बीच कोठी है, सेठ बैठा है। जाकर हाजिर हुए, गले में पल्ला डाला। सेठ जी हम गुनेगार हैं, हम खतावार हैं, हमको बख्श लो। आओ भाई प्यारो, मस्तक आपके उज्जवल है, वाणी आपकी मीठी है। मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं, जानता नहीं, आपने कौन सी खता की है, किस बात के गुनेगार हो? कहा, किनारे पर बेरी आपकी है? कहा, हाँ। फिर उस बेरी का बेर गिरा है, नदी में से निकल जा रहा था, मेरे पुत्र ने खा लिया है। हम है गुरु के सिख, हमारे पास उस बेर का मूल्य भी ले लो और हमें क्षमा भी दे दो, क्योंकि चोरी की हमा भरे न कोई, चोरी लाख की भी, चोरी खाक की भी। गुरु पिरु हा माता भरे,
जा मुर्दार न खाई, यह मुर्दार खा बैठा है, इसलिए हमें माफ कर दो और साथ ही बेर का जितना दाम बनता है वह ले लो और हमें क्षमा करो। यह देखने लगा और कहा, भाई क्षमा तो करूंगा पर मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। कौन सी? कहा, मेरी लड़की जवान है, मैं उसके लिए वर ढूंढता था, तो तेरा लड़का मुझे अच्छा लगा है। अगर यह रिश्ता स्वीकार करो तो बेरी भी आपकी और बाग भी आपका। मेरी एक ही लड़की है, सोचता हूँ कि इससे भला पुरुष और कहाँ मिलेगा, इससे सच्चा मनुष्य संसार में और कौन होगा। सेठ जी, कहा आप और कहा हम गरीब सिख। कहा, न भाई, यह शर्त तो माननी ही पड़ेगी, और बख्शवाना आए आए हो तो मनाना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। कहा, हमें तो स्वीकार है, आप सोच लो। सेठ ने कहा, आप सोच लो, मेरी लड़की तो अंधी है। सिख ने कहा, और किसी तरह माफी नहीं? कहा, नहीं। फिर मंजूर है, हम गुनहगार जो हुए, जो सजा हमें दोगे हमें हाजिर है, हम हाजिर है, पर आप तो हमें सम्मान दे रहे हैं। लड़की अंधी है तो फिर क्या हुआ? विवाह के बाद अंधी हो जाती, फिर क्या कर सकते थे? अगर मेरा पुत्र विवाह के पश्चात अंधा हो जाए फिर क्या कर सकते हैं? अभी तो गहन कच्चे धागे हैं, जब मर्जी तोड़ लो, जहाँ मर्जी और गांठ पर लो। उसने कहा, जी यह ही बस नहीं, मेरी लड़की सिर्फ अंधी ही नहीं बहरी भी है। कहा, मंजूर है। सेठ ने कहा, यह ही बस नहीं, वह गूंगी भी है, उसके न हाथ है न पाँव। सिख ने कहा, जब हाँ कर दी है तो फिर जैसी भी है स्वीकार है। कहा, फिर विवाह कर साथ ही ले जाओ। दोबारा बारात कहाँ से लेते आओगे? जिस समय विवाह का समय आया, लड़की चलकर आई, देखा कि लड़के के हाथ भी हैं और पाँव भी। यह सेठ तो झूठा आदमी है, इसने झूठ क्यों बोला? इस झूठ से व्यवहार नहीं करना। बख्शाने आए थे एक बेर के खाते, इस झूठे के साथ काम पड़ गया है। कहा, सेठ जी, हमने यह विवाह नहीं करना, हमें यह नाता मंजूर नहीं, हमें वही पाप अच्छा है, हमने झूठ की संगत नहीं करनी। कहा, आपने तो वचन किया है। हमने वचन तो बेशक किया है, पर झूठ वालों के साथ नाता जोड़कर फिर हम भी झूठ बन जाएंगे। सेठ जी, सच और झूठ का कोई मेल नहीं। उसने कहा, मेल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? कहा, आप मेरी बात का मतलब नहीं समझे। मैंने कहा था कि मेरी लड़की अंधी है, जब से यह पैदा हुई है इसने कभी भी कहीं से इन आँखों से किसी को भी गलत भावना से नहीं देखा, कभी किसी को इस जुबान से कड़वे वचन नहीं बोले, पाँव से किसी गलत स्थान पर नहीं गई। मैंने तो आपकी परीक्षा के लिए सब कुछ कहा है, अब यह लड़की भी ले जाओ तो सब कुछ आपका ही है। यह सौदा सच का था, सच की कमाई किसी ने करके नहीं देखी, सच की कमाई में बहुत बड़ी बरकत है। ऐसे ही तो नहीं भाई गुरदास जी, उनके लिए अपना आप कुर्बान करते, जैसे रंगू और मंगू दो गुरु के सिख थे, गरीब पर बड़े ही सिद्धक संतोष वाले थे। एक दिन जंगल में लकड़े काटने के लिए जा रहे थे, क्योंकि यह ही उनका काम था कि जंगल से लकड़ी काट कर लानी और लेकर शहर में बेचने और उसके साथ अपना और अपने बाल बच्चों का पेट पालना। एक दिन
जा रहे थे। रास्ते में एक लाल गिर पड़ा था। लाल को पहले बड़े भाई ने देखा तो सोचा, हम गुरु के सिख हैं, यह पराई चीज है, कहीं छोटा भाई उठा ना ले। सो उसको अपने पाँव से लाल के ऊपर मिट्टी डाल दी। बड़े भाई को मिट्टी डालते छोटे भाई ने देख लिया। वह पूछा, क्या है? बड़े भाई को बताना ही पड़ा कि ऐसे मैंने लाल पर मिट्टी डाली है कि तुम उठा न लो। यह सुनकर छोटा भाई रोने लग पड़ा और कहने लगा कि मैं छोटा तो हूँ ही, तुम तो बड़े हो, तुमने क्या किया? तुमने पराई चीज को देख देखी ही क्यों? भला मिट्टी ऊपर मिट्टी क्यों डाली? कितनी ऊंची अवस्था है कोई ऐसा? बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं पर माया के लालच में आकर पाँव फिसल जाता है। न हमारा कोई दिन, न मजहब, न सदगुरु सच्चे पातशाह का सत्कार। लोगों को उपदेश करते हैं कि माया हुई नगरी, भाई बचकर रहो, पर आप बुक्कल में बैठाए फिरते हैं और सामने डंक मारी जाती है। बाबा जी वचन करते थे कि माया गृहस्थी के लिए अमृत और भिंगम के लिए जहर है। रंग मंग तो चल गए, पीछे दो संत वहां से गुजरे, उन्होंने भी उस लाल को देखा। ब्रह्मदास ने कहा, यह लाल पड़ा है, फिर क्या करे, पड़ा रहने दो, हमने क्या करना है? कहा, उठा लेते हैं, किसी गरीब को दे देंगे। इस तरह ब्रह्मदास ने वह लाल उठा लिया तो सामने से रंग मूंग आ रहे थे और सिर पर लकड़ी की गोटी बांध कर ला रहे थे। इन संतों ने देखा कि यह बहुत गरीब है, इसलिए यह लाल इनको ही दे देते हैं। यह कहकर इन्होंने रंगू मंगू को बुलाया कि आओ हम आपको कुछ दें। तो दोनों भाग कर आए, गांठें सिर से उतार दी और संतों को नमस्कार किया। सोचा कोई इलाही वचन बख्शेंगे, पर जब संतों ने वही लाल निकाला और कहा, लो भाई आप बहुत गरीब हो, यह लाल ले लो और अच्छी जीवन व्यतीत करो, तो इन्होंने सिर फेर दिया और कहा, संत जी यह लाल तो रास्ते में हमने भी देख के गए थे पर हमने नहीं उठाया, और आप हमें वही लाल दे रहे हो, हमने नहीं लेना, अगर देना ही है तो कोई नाम दान दो। यह सुनकर वे साधु हैरान हुए और पूछा कि आपका गुरु कौन है? उन्होंने बताया कि हमारे गुरु गुरु नानक है। तो कहा, इन्होंने माथा टेका था और कहा, आप वे साधु नमस्कार कर रहे थे कि धन्य गुरु नानक, धन गुरु के सिख है। अगर सिखों का ध्यान इतना ऊंचा है तो इनके गुरुओं का ध्यान कितना ऊंचा होगा? आज जो लोग सिख बनकर बाबा जी के संगी होकर फिर ठगी मारते हैं और अपने ऊपर बाबा जी के सेवक बताते हैं, वो बाबा जी की निंदा करवा रहे हैं। और जो बाबा जी के संगी होकर अपने जीवन को, अपने व्यवहार को, अपनी रहनी बहनी व करनी को ऊंचा रखते हैं, वह बाबा जी का यश भी करवाते हैं और अपना भी। इसलिए सोचो, नानक सर के नाम को कलंक न लगाओ, नहीं तो आपका यहाँ वहाँ दोनों स्थानों से भला नहीं होगा। सो बाबा जी कहने लगे कि जो गुरु सिख गुरु नानक के सही मिशन पर चलते हैं, वह तो कई कई सालों तक तपस्या करने वाले साधुओं से भी करनी में ऊपर है। देखो ये रंगू मंगू जिन्होंने हीरे उठाया नहीं और फिर अगर उनको दिया गया तो उन्होंने लिया भी नहीं। इतना वचन करते करते बाबा जी ने अपना मुख संत सुजान सिंह जी के जत्थे की तरफ कर लिया और इशारा करके कहने लगे,
कुछ समझ आई? फिर कहने लगे, यह उन गुरु सिखों का जीवन है और आज आप आज के सिखों का भी जीवन देख लो। अगर कहीं पैसे भी गिरे हो तो उठाकर जेब में डाल लेते हैं। यह बात सुनकर उनको घबराहट हुई, शरीर कांप उठा, मानो नीचे से जमीन खिसक कर कहीं और चली गई। रंग उड़ गया, हैरान हो गए और मन ही मन कहने लगे, धन बाबा जी, धन बाबा जी, धन आप हो जो हमारे जैसे बुद्धिहीन पुरुषों को सीधे रास्ते डालने के लिए आज का प्रसंग ही ऐसा चलाया और आखिर हम पर लाकर ही खत्म किया। और बाबा जी ने बार बार दोहरा कर कहा, देखो भाई, वे भी सिख थे जिन्होंने हीरे पर मिट्टी डाल दी, और ये भी सिख है जिन्होंने एक पैसा भी नहीं उठाया। सो गुरुमुखो, ऐसा आदर्श था बाबा नंद सिंह जी महाराज का। ऐसे ही नहीं थे, इतने बड़े गुणी ज्ञानी बाबा जी के सामने मौन हो जाते। सो गुरुमुखो, हमने भी बाबा जी की कथा से कुछ शिक्षा लेनी है। यह वचन सिर्फ हुए बीते नहीं, ये आज भी चाणक्य मुनारा है। जो जो कोई अमल करेगा तो सुख पाएगा, बाबा नरसिंह जी महाराज की नज़र में आ जाएगा, और जो बाबा जी की नज़र में आ जाएगा उसका यह लोक भी सुखी और परलोक भी सवेर हो जाएगा। यह तस्वीर भी बाबा नरसिंह जी के पिंजरों बाग की है। पहले बाबा जी बैरागी लगाकर बैठे थे और जब पीछे आकर संत बैठ गए तो बाबा जी ने बैराग रख दी और उनके साथ वचन विलास करने शुरू कर दिए। धन गुरु नानक, धन बाबा नंद सिंह जी, धन बाबा नंद सिंह जी।